आश्रम जा, क्यों नहीं जा रहा है पीछे छोड़ के? ये क्या है? क्योंकि मुझे खाना भी है ना, गाड़ी तो मैं साफ करूंगा ही। अबे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ तो रहा हूँ मैं। क्या छोड़ रहा हूँ तेरे को मैं? खड़ा क्या वृद्धाश्रम? क्या पता ना जाना। क्यों मार रहा है इसको? कौन है तू? अरे तू क्यों बोल रहा है? क्वास क्यों मार रहा हूँ? तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। इतना परेशान हूँ मैं, इतना परेशान हूँ मैं, क्या बता नहीं सकता। क्या करूँ, अपने आप से बातें करनी पड़ रही है, अपने आप से बातें करनी पड़ रही है। मेरा ये देखो क्या हाल हो गया, मेरा क्या हाल हो गया। मैं अपने बेटे से, अपने मेरा बेटा जिसको मैंने इतना बड़ा किया, शादी की, सब कुछ किया, अच्छा खासा उसको बनाया, सर्विस लगवाई, आज उसने मुझे घर से बाहर दे दिए। मेरे को कल चाटा मारा इतने जोर से चाटा मारा मेरे को कल, इतने जोर से चाटा मारा। मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे वो बाहर जा कर के गाड़ी साफ करनी पड़ रही है, गाड़ी साफ करनी पड़ रही है। मैं बीमार आदमी, मैं जाके अस्पताल से मुझे दवाई लानी पड़ती है, तब जाके। आपने बोला था ना कि कैमरा ऑन करो, सारी बातें बताऊंगा। आप देखो अभी रोगे, कैमरा स्टार्ट करने पे कैसे होगा बताओ? सारे क्या बोलेंगे कि अंकल तो मजबूर हो गए अपनी औलाद के सामने, यही बोलेंगे ना सारे। आप रो मत, आप जो आपको बातें बतानी हो सारी बातें बताओ, रोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। रोना नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ठीक है? जो हम आपसे पूछेंगे वो आपको बताना, जो भी आपके बेटे आपके बोलेंगे वो हमें बताना कि आपके बेटे और आपकी बहू आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी भाई स्टार्ट है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आज के और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और आज की हेल्प करने के लिए क्या रखे थे और क्या हो गया मैं बता देता हूँ कि एक आंटी आने वाली थी हमारे पास नजफगढ़ से, उनकी बहू का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है, लेकिन उनकी बहू ने उनको आने नहीं दिया। तो उनका एक मैसेज आया था हमारे पास कि मेरी बहू ने मुझे रोक रखा है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो हम यहीं थे, मतलब पार्क दूसरे पार्क में आए थे, आंटी के नजफगढ़ के पास ही पड़ता है। तो ये अंकल हमें मिल गए पार्क में, कि इनके साथ एक लड़का था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपकी सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं, ये अंकल ना इनके साथ ये सब चीज़ें रखी है, प्लीज़ इनकी मदद करो आप। तो अंकल आप एक एक करके बताओगे कि मतलब क्या हो गया आपके साथ, आपके बेटे बहू आपको वृद्धाश्रम में क्यों निकाल रहे हैं, और ये आप पन्नियाँ वगैरह लेके पार्क में क्यों घूम रहे हो, क्या क्या हो रखा है सब? और ये आपने कपड़े ऐसे क्यों पहने? एक बार छोड़ना, एक बार पन्नी छोड़ो आप। ये भाई अंकल के कपड़े पड़े इनमें, और ये अंकल के कुछ और कपड़े हैं जो इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है? ये अभी साइड में रख लेते हैं। अंकल जो है ना भाई, इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गाड़ियाँ साफ करके थोड़ा बहुत कमा रहे, क्योंकि आपको पता है पर गाड़ी से 300-400 रुपए से ज़्यादा कोई भी नहीं देता। तो 5-6 गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, महीने के इनके पास 2-3 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जिससे अपना दवाई वगैरह लेना, बाहर से खाना खाना, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने मेरे को सारी बातें बताई हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, कैसे स्टार्ट हुई हैं, इनको इन्हीं के घर की, मतलब जो इनका घर है इन्हीं के नाम पे, मतलब दादा परदादाओं से चलता आ रहा, जो इन्हीं के नाम पे अभी उस घर से इनको कैसे निकाला जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी अभी हम इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो अंकल एक बार सारी चीज़ें बताओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये कपड़ा क्यों आप पकड़ के बैठे हो? मैं आपको क्या बताऊँ, कह नहीं सकता। मेरे घर के अंदर मुझे अपने बेटे से मार खानी पड़ रही है। वो कल उसने मेरे को ऐसे चाटा मारा, और मेरा सामान मेरे बैग में से निकाल के बाहर फेंक दिया। ये जब मैं पन्नी लेके घूम रहा हूँ, इसीलिए कपड़े मेरे पन्नी में पड़े हैं। और क्या करूँ, क्या करना है मुझे, क्या करना है? मैं बाहर मोहल्ले के अंदर दूसरे मोहल्ले में जा कर के मैं गाड़ी साफ़ करता हूँ। तो गाड़ी साफ करने वाले जब करवाते हैं तो वो मुझे पैसे देते हैं। और ये सब मेरे उन नालायक बेटे की वजह से, जिसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे वृद्धाश्रम के लिए ले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाकर रहो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आपको कि घर से निकल के वृद्धाश्रम में जाओ?
ऐसा आपने उन्हीं के साथ कुछ बुरा कर दिया था अगर आपने, मतलब शादी से पहले हुआ था, बेटे की शादी के बाद हो रहा है? नहीं, ये सब शादी के बाद हो रहा है। अच्छा, ये सब शादी के बाद हो रहा है। जब से वो कल वो जिसको क्या जिसको लेकर के आया ना, जिसको बहू कहता हूँ मैं, जो मेरी बहू बन के आई है मेरे बेटे की, उसने उसके आने के बाद में मेरे बेटे के रंग ढंग सारे बदल गए। आपकी बहू के आने के बाद सारे रंग ढंग बदल गए। मतलब ये कि कुछ तो वो काम ही कम करता था और कुछ क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अभी वो आपको घर से निकालने की तैयारी में, घर से निकालने की तैयारी में कल मुझे मेरा सारा सामान फेंक दिया, कपड़ा मेरे बैग। तो आप उनको प्रॉपर्टी उनके नाम पे इसलिए तो नहीं कर रहे कि अगर आप प्रॉपर्टी एक बार उनके नाम पे करोगे फिर वो आपको कभी पूछेंगे भी नहीं, इसलिए? नहीं, सवाल प्रॉपर्टी तो है। अंकल आकर अगर अब आपको घर से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप पता तो समझो ना, अगर आपको घर से निकाल रहे हैं तो प्रॉपर्टी का तो चक्कर होगा। प्रॉपर्टी का चक्कर तो है, प्रॉपर्टी का चक्कर है, पर यह कि प्रॉपर्टी जो वो आई है ना, वो ऐसी ऐसे गलत ख्यालों की है। उसके मतलब ये कि घर के अंदर कुछ मिलने वाले आते हैं, तो वो लड़का मेरा तो अंधा हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल लड़का मेरा बिल्कुल अंधा हो गया। अच्छा, बिल्कुल बहू के साथ जब आपका बेटा नहीं होता था तो लड़के आते थे मिलने के लिए? लड़के आते थे, मैंने उस चीज़ को गौर किया और उसने मेरे को देख लिया और देखने से प्रॉपर्टी अगर नाम कर दूंगा तो वो हो सकता है। अच्छा, अब मैं जाके समझाऊं क्या बात है। वो बेच आपको अंकल यहाँ पे चोट कैसे लगी है सर पे? ये चोट मेरे कल जब उसने मेरे चाटा मारा ना मेरे बेटे ने। एक बारी मुंह इधर करना है इधर भाई, ये देखना, मतलब एक बड़ी छोटी सी चोट है जो लगी हुई अंकल के यहाँ पे। मैं गिर गया एकदम, चाटा उसने मारा, ऐसे जो चाटा मारा मेरे, मैं गिर गया। अभी मुझे आपकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मतलब सर मेरे को दमा दमे की तबीयत, तो अस्पताल से दवाई ले आता हूँ जा करके। भाई मैं बता देता हूँ क्या सीन हुआ है। शादी के बाद जो है ना, इनका बेटा इनका दुश्मन बन चुका है, घर से निकालने की पूरी तैयारी है, गाड़ियाँ साफ करके अपना पेट कमा रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें हो रही है। इसके बेटे ने कल इनको थप्पड़ मारा था, तो इनको उस चीज़ पे इतना बुरा लग रहा है कि जिस बेटे, एक ही औलाद है मेरी जिसको मैंने नाजों से पाला, सारी चीज़ें उसके लिए करी, उसने मुझे थप्पड़ मारा अपनी बहू के लिए जो कल आई हुई है। और अंकल ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहू कब से कर रही है, जब मेरा बेटा काम पे जाता था तो बहू के साथ दो तीन लड़के मिलने के लिए आते थे। जब अंकल ने वो वाली बात बहू को बोली कि मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि इसके साथ तेरी बहू के साथ तीन चार लड़के मिलने के लिए आते हैं, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो आपने अपने बेटे को बताया कि तेरी बहू के साथ तीन चार लड़के और आते हैं मिलने के लिए? बेटे को मैंने बताया पर उसने यकीन ही नहीं किया, कहते तुम बोल कैसे रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ। और मुझे उल्टा मेरे एकदम सीधे थप्पड़ मार दिया, वही थप्पड़। तो ये थप्पड़ के उसको लगता है कि ये चीज़ आपने झूठ बोली है जबकि ये बात पूरी सच। हाँ। है तो बहू इसी चीज़ का आपसे गुस्सा निकाल रही है। वो यही समझ रहा है कि मैं इतने झूठ बोला। हाँ। और मैंने उसको प्रॉपर देखा, अपनी बहू के हालात मैंने देखे, मतलब वो कुछ कर रहे थे। हाँ, वो कुछ मतलब ये कि हालात उसके साथ बाहर जाके। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात, जो बोलना चाहते हो। वो क्या भी आपके घर की बहू है, आप कैमरे में क्या ही बोलोगे, मैं समझ सकता हूँ। भाई सीन यूँ है कि इनके बेटे और बहू को यहाँ पे बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी होगा वीडियो को आप एंड तक देखना। कहानी ना कहीं पे यूँ है, कहीं पे यूँ है, मतलब थोड़ी बहुत आपको भी कन्फ्यूजन हो रही होगी समझने में, मुझे भी हो रही है, बट लास्ट में हमें ये चीज़ समझ आ गई कि ये सारी चीज़ें बहू के आने के बाद हो रही है। तो इनके बेटे की थोड़ी आँखें खोलनी है कि गटर से थोड़ा बाहर आके थोड़ा दुनिया में देख के सच में क्या हो रहा है। तो वीडियो को देखना एंड तक, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। ओए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मैंने तुझे नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने बेटे को बुलाया था, बेटे को बुलाया मैंने। पागल वागल हो गया क्या? मैं किस बात का पागल? मेरे को बुला के यूँ कह रहा है, ये तेरे को नहीं बुलाया, ये क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, क्यों बेइज्जती करवा रखी है? क्या खिलवाना चाहती है मुझसे? क्या क्या खिलवाना चाहती है? क्या खिलवाना चाह रही हूँ बता ना, बता क्या खिलवाना चाह रही हो? दोबारा कहूँ तुम लोग तो इस्तेमाल दोबारा करो। सटिया आ गया है क्या? पागल वागल हो गया है क्या? पागल तुम मेरे को करने पे लगे हुए हो, पागल मुझे करने पे लगे हुए हो, एक सही आदमी को सही आदमी के साथ में तो सुलूक किया। ऐसा है, चुप हो जा, मत बोल फालतू, मैं थप्पड़ ऐसा मारूंगी कान के ऊपर, मैं तेरे बता रही हूँ। तेरे को जब मैंने बोला वृद्धाश्रम जा, क्यों नहीं जा रहा है पीछे छोड़ के? जो आए थे कौन थे? वही तो बताया था मैंने तेरे बेटे को। क्या बताया था? अपने बेटे को यही बताया था मैंने।
क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है? और क्या खड़ा ये क्या है, क्यों क्यों लेकर आया ये, क्यों लेकर आया यहाँ पर? बदनामी करा रखी है, क्यों बदनामी करा रखी है? घर से निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? तू धक्के धक्के निकाले है क्या? क्या करवा रखा है? मोहल्ले में पूरे बेइज्जती कर रहा है। क्या कर रहा है तू? गाड़ियां साफ कर रहा है तू? मैं गाड़ियां लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है। मुझे खाना कुछ नहीं खाना, मुझे खाना भी आना, गाड़ी तो मैं साफ करूंगा ही, कुछ तो करूंगा। अरे मैंने इसको सुन मेरी बात, सुनो रुको, तो तू क्यों दुनिया में गा रहा है, क्यों गाता फिर रहा है, क्यों बेइज्जती करा रहा है? मैं क्या कह रहा है तू? डाल मुंह हट्टी डाल दे। क्या चाह रहा है बता? साले के समझ नहीं आ रही। मैं क्या समझूंगा? अब वृद्धाश्रम में छोड़ के आ तो रहा हूँ मैं। वृद्धाश्रम में मुझे छोड़ कर के आओगे? क्यों छोड़ के आओगे? क्यों तो तुझे क्या? ओए सुन, छोड़ के आओगे? सुन मेरी बात, तुझे क्या हम अपने साथ रखें? मैंने तुझे इसको बताया था ना? नहीं बता ना, इधर बात कर, इधर बात कर। तो है तुझे अपने साथ रखूं क्या? जो वो लड़के आते हैं उनके बारे में बता। चुप हो जा, चुप हो जा, इससे मत बोल फालतू। उनके बारे में बता पहले। क्या बताऊं? जो तीन लड़के आते हैं ना, उनके बारे में बता। मेरी बीवी अब कलंक में लटकोग, ठीक है ना? आज ये बीवियों के दो साल हाँ, के इसके ना एक मारो, उसके खिंचा के इसके थप्पड़ मारो। बीवी है मेरी, मैंने तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पे यकीन नहीं है? मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू तो चार दिन में मर जाएगा, सात तो जिंदगी भर ये देगी मेरा। तो उसकी बात को समझ तो ले, वो है क्या चीज? क्या हूँ? देख लिया मैंने, क्या 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 हो बता, बताना क्या हूँ मैं, क्या हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा है? तू क्या है, तू क्या है, तू अपनी बता, क्या है तू? मैं तो सही तरह से तुमको इस्तेमाल, सही तरह गाड़ी, सुनो मेरी बात, गाड़ी साफ करके दुनिया में तू थू थू करवा रहा हमारी। चाह क्या रहा है कि दुनिया वाले बोले हमें कि बुड्ढे को निकाल दिया, गाड़ी साफ कर रहा है? मैं तेरे को बोला हमने? और भी कुछ बता सकता हूँ? नहीं बता रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हारी बात को रोक रखा है? क्या जो तुम घर में कर रही हो ना मेरे साथ में? अरे क्या कर रही हो बताना, बोल लू, समझा रहा हूँ मैं, बोल मत तुझे। मुझे घर से निकाल दिया तुम, क्या कर रहे? क्या कर रहे हैं? गाड़ियाँ साफ करके तूने धू तू करवा दिया हमारी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? जा नहीं रहा हमारा पीछा छोड़ के? हैं क्यों उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? तेरे को कौन बोल रहा सुनने के लिए? छोड़ दूंगा चल, हैं वृद्धाश्रम चल, मैं तुझे बोल रहा हूं वृद्धाश्रम चल, खड़ा कर चल, खड़ा है, खड़ा चल, खड़ा पकड़ अपने कपड़े, चल चल, इसे भेज यहां से, चल यहां से। कौन सा तरीका ये, कौन सा है? मुझे मेरे घर से निकाल दे। मैं कह रहा हूं चल वृद्धाश्रम मेरे साथ, मैं कह रहा हूं वृद्धाश्रम चल, मुझे समझने की कोशिश। अरे क्या समझो, बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी तेरे को, थोड़ी करेगी बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ तेरे को। फेंक इसे, तू ये बता क्या समझो, तुझे क्या समझो, है कौन तू, है कौन? बार बार मत बोल उसके लिए, मेरे बता क्या चाह रहा है वो भी तेरी तरह हो जाए। मैं तेरे राज जानता हूँ। तू क्या चाह रहा है वो तेरी तरह हो जाए जैसे तू है? मैं तेरा राज जानता हूँ सारे। क्या राज जानता है? जो घर घर में लड़के आते हैं ना, अच्छा मैं उसी से गुस्सा हूँ। तो तू क्या, तू पहरादारी करता है? ओए पहरादारी करता है क्या है? तू पहरादारी करता है क्या मेरी, कि मेरी बहू कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही? या सच तो बोल, तेरी भी नजर मेरे पे है। मैं कैसे देखूंगा? मैं सब फेंक दूंगा। मैं बोल रहा हूँ वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा हूँ, तेरे को जा नहीं रहा है बिल्कुल ही, बेशरम हो गया, सुन ही नहीं रहा है। मैं बैठी हूँ अपने वहाँ, मैं तो वृद्धाश्रम खुद भी चला जाऊंगा, मुझे खुद जाना आता है, सारे काम करने आते हैं, पर ये मैं कह रहा हूँ मैं वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा हूँ। क्यों नहीं जीने दे रहा हमें? ओए इसे ले, इसे आराम से समझो, रुक जाओ इसे बिठाओ पहले, इसे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा मैं। देख तुझे यहाँ बिठा दिया ना हमने, अब तू ये बता तू क्या चाह रहा है, क्यों नहीं हमें जीने दे रहा है? मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो ठीक नहीं हो, हाँ तुम ठीक नहीं हो, अच्छा फिर तू कलंक लगाने पे लगा पड़ा है। क्या ठीक नहीं हो बता, बता ना क्या ठीक नहीं हो? समझाया, मैं जब कह रहा हूँ उसके खिलाफ मत बोल, मैं नहीं सुनूंगा, बताना। सुन लेगा तो फायदा मेरा का, चल सुन ले फायदा मेरा, नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए फायदा, मेरी घरवाली मेरा फायदा कराई जो है। अच्छा तू बता दे क्या बता, आए थे ना लड़के, क्या बता आए थे? अबे बोल लो, नहीं आया, बोल लो, कोई नहीं आया, बोल। ये पहरादारी तुम्हें नहीं पता, ये बुड्ढा तुम्हारा बाप, ये सही नहीं है, ये जितना इसमें जवानी आ रही है बुड्ढे में, क्या क्या रहा है तू मेरे से, किस लिए चाह रहा है तू, पहरादारी करता है क्या? घर के अंदर तो बड़ा आदमी होता है, घर का मेंबर होगा वो, तो पहरादारी और क्या करेगा वो? क्या जवानी आ रही है तेरे पे ज्यादा? जवानी कौन से बात, ये बुड्ढा चाह रहा है कि मेरे पे हाथ साफ करे, तू यही चाह रहा है क्या? और तू झूठ बोल रहा है अपने लड़के से, मुझ पे मत लगा रही है, सारा मोहल्ला जानता है मेरे को, सारा मोहल्ला जानता है। जब ही रुक जा, जब ही तो तूने हमारी बेइज्जती करा रखी है, वो अल्लाह हमारे पे थू थू कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो बुड्ढे के साथ?
तूने क्या बना के बोला है, बाहर क्या बोला है? मेरे घर से मेरा निकाल दोगे, मैं गाड़ियां साफ करके 200-400 रुपए कमाऊंगा। मैं वृद्धाश्रम में भेज तो रहा हूं, मेरे को दवाइयों की जरूरत है ना। मार क्यों नहीं जाता? और रुक जा, हम तुझे क्यों दवाई दे? हम तो तुझे मारना चाहते हैं, तो तेरे को क्यों दवाई दे के तेरे को ठीक करे? क्यों करे? तुझे तो हम चाह रहे हैं कि तू कल का मरता आज मर। मुझे मारने से क्या मिलेगा? मुझे मारने से क्या मिलेगा? मारने से जो तू इतनी बड़ी हवेली में रह रहा है ना, और तूने अपने साथ हमें किराएदारों की तरह रख रखा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारा नाम कर दे। मेरे बड़ों के मकान है ये। अच्छा, संभालना चाहता हूँ मैं। देख, मैं ये चाह रही हूँ, मेरे नाम कर दे। नहीं रुको, देख सुन, मैं ये कह रही हूँ तुझे मैं जहर दे के मार देती हूँ, और जो तेरी प्रॉपर्टी है जितनी हवेली है ना, तू इसको बना दे वो मालिक, ठीक है? ये मालिक और मैं मकान मालिक। वैसे ही तुम मालिक हो। अच्छा, कोई बुलावा नहीं आता, हम ही तेरे को मारेंगे। तेरा बुलावा तो आने से रहा, तो हम ही तुझे मार देते हैं, ठीक है? तू क्या सोच रहा है? चले जाएगा अभी, हम ही तुझे मार देते हैं। ऊपर से कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से बुलावा आ जाएगा मिनट से पहले। ये बुड्ढा हमें मार देगा एक दिन, ये नहीं मरेगा पर जल्दी। ये सोच रहा है हम दोनों को मार के ही मरेगा ये। ऐसी औलाद से तो, ऐसी औलाद तो बेकार है, बिल्कुल ऐसी औलाद बेकार है, ऐसी औलाद बेकार है। अच्छा, ये सही है, सही है, उठा ले। हां, बहुत बहुत ऐसी औलाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हां, ऐसी औलाद तो बिल्कुल बेकार है, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। बोरिया बिचरा ले, चल मैं तेरे को छोड़ के आऊं। मेरे ऊपर आ रहा है बिल्कुल। पकड़ ले मेरा बेकार, सामान पकड़ ले, तेरे कह रहा हूँ मैं, सामान पकड़ ले। मुझे क्या मार दिया, क्या मार दिया? क्यों नहीं, रुक ड्रामा क्यों कर रहा है? क्यों ऐसे ड्रामा कर रहा है? शांत हो जा, बोल रहा हूँ ना। देखो क्या होगा, मेरी औलाद मेरे पर मार दिया। चुप हो जा, चुप कर, मट्टी भर दूंगा मुंह में, चुप हो जा। इसे उठाओ, उठाओ इसे, बैठ आराम से टेबल पे। देख तुझे, देख एक, देख तुझे, तुझे पिक्चर देखनी हो बुड्ढे, तूने जवानी में ही देखी होगी, अब तो तूने देखी नहीं क्योंकि अब तू बुड्ढा हो गया। अब तुझे क्या देखना चाह रहा है बताना? अरे हाँ ना तो बोल, चाह रहा है? पन्नी दो इसे, पन्नी दो पहले, पन्नी दो। देख तू क्या चाह रहा है? तेरा लड़का, तू तेरा लड़का तेरे से बहुत प्यार करता है, तेरा लड़का बहुत अच्छा है। रुक जाओ, तुम जरा जो 2 मिनट नाचना, जरा नाचो। अरे नाचो तो सही, क्यों इसकी तरफ देख रहे हो? ये तो है बुड्ढा, हम इसके क्यों टेंशन ले? ये कल मरे दूसरा दिन, मैं इसके बातों पे चलूंगा क्या? वैसे ही नचाएगी तेरे को, इसमें थप्पड़ मारो। ये क्यों इतना बोल रहा है? तेरे को मना करा है ना? चुप हो जा, मना करा है ना? मैंने नाच रहा हूं, मेरे पैर मेरे हाथ, तू चुप हो जा ना। तू ऐसे ही नचाएगी तमाम। अच्छा अच्छा, फिर तू नहीं जानता इसको, वो कुकड़ू कू करो। मैंने तेरे को बताया था। देख तू ना बकचोदी मत कर, तू चुपचाप से रुक जा, रुक जा। ओए तू ना सुन ले, छोड़ो उसको, छोड़ो। तू बकचोदी मत कर, तेरे को मैंने बोला है, तू चुप रहे। और देख यहाँ तमाशा देख, जो हो रहा है तू देखता रहे बस, अपना मुंह बंद रख, ठीक है? हाँ, अब मत भोंक दियो बीच में, और नहीं तेरे में ना ये डाल दूंगी तेरे मुंह में, मैं बता रही हूँ। तू नाच, देख अभी 2 मिनट देख, नाचो बाप बेबी नाचो, आप नाचो। जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। और क्या देखना है बता, बता ना। कुकड़ू कू करो बेबी, 2 मिनट कुकड़ू कू करो। इसे दिखाओ ये कैसा है बेबी, दिखाओ ये कैसा है। ऐसे नहीं, अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला। तमाम जिंदगी हम नाचते, देख तेरे को नचाएगी। हाँ ठीक है, हम नाचते हैं, देख देख देख। अगर तूने मेरी बात को नहीं माना, अगर मेरी बात को नहीं माना, नहीं तेरे को मैंने क्या कहा है कि तू 2 मिनट चुप रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं चुप हो गया। हाँ चुप रहे, फिर चुप रहे। हाँ चलो देखो बेबी, डांस करो उसके सामने, देख देख। हम ऐसी करेंगे, तू ऐसी देख के ना जली हो, ठीक है? मुझे ऐसी देख, क्या करना है? मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेबी बेबी रुक जाओ, बैठो, कुकड़ू कू करो। इसको दिखाओ जैसे बुड्ढा कैसा है, इसे दिखाओ ना, इसकी इसकी शिकल दिखाओ, कितनी अच्छी शिकल है इसकी, दिखाओ उसकी शिकल। मैं पागल,
तू पागल हो गया। अरे वो क्या हो गया, क्या हो गया, तू पागल है ओए। क्यों क्यों नहीं छोड़ रहा है हमारा पीछा, कब जाएगा तू, कब मरेगा, क्यों साए की तरह पीछे पड़ गया मेरे, और इसके क्यों साए की तरह पीछे पड़ गया है। गाड़ियाँ साफ करनी पड़ती है। अरे तो देर से हम बोल रहे हैं, क्या तू गाड़ी साफ कर, क्यों क्यों बदनामी करवा रहा है, क्यों दुनिया में बदनामी करवा रहा है हमारी। कौन है भाई? क्या है, क्या है, कौन है, क्यों मार रहा है इसको, कौन है तू, कौन है हमारी बात हो रही है, तू काहे में आ गया बीच में, इधर कौन है तू, क्यों मार रहा है इसको, ऐसा है तू जा यहाँ से, चल मेरा बाप है ना तेरा, तो बाप को ऐसे बार बार मारेगा क्या। अरे तू क्यों बोल रहा है, तू काहे के लिए आ गया, हमारी बात हो रही है, बात कर रहा, पीछे हो जा, समझ नहीं आ रही तेरे, आएगा बात करने के लिए, बाप को क्यों मार रहा है, बाप को क्यों मार रहा है, कौन है, क्या हो गया, बाप को मारेगा, पीछे हो साढ़े है, बाप को मारेगी इधर, तू कौन है, चल तू कौन है, बात कर रही है, कौन लग रहा है तेरा, तू है कौन, बहू कौन है तेरी, बहू कौन है तेरी, बहू कौन है तेरी, है ससुर है मेरा, तेरा यार कहाँ है, तेरा यार नहीं आ गया यहाँ पे, तेरे को क्यों सफाई दो, तेरा यार नहीं आ गया यहाँ पे, पूछने वाला है कौन, तेरा यार नहीं आया क्या, पूछने वाला, यार नहीं आया अंकल खड़े हो ना, पूछने वाला है, अब बुला, ये कौन है, क्यों मार, ओए हाथ नीचे, तेरा बाप है ना, शादी के बाद ये सारे हरकतें करेगा, बहू की बात आगे, क्यों साल करना, उसका बाप है ना, उसका बाप है ना, उसका बाप है ना, तू क्यों ले रहा है, अरे मैं कोई मर्जी हूँ, तेरा यार का है, आज आएगा यार भी अभी, तेरा यार आएगा ना, तेरे को पता है तेरे घर के जाने के बाद क्या क्या करती है ये, क्या करती है, पता है तेरे को, पता है तेरे को, इधर देख मैं तेरे को एक चीज दिखाऊं, बताऊं तेरे को, सामने कैमरा लगा पड़ा, पहले देख देख देख, तू भी देख, ये जितना तेरे सामने शरीफ बनती है ना, उतनी शरीफ है नहीं, इसकी पूरी औकात बोलेगा तो अभी दिखा दूंगा, और तेरी बेइज्जती होगी, तेरी बेइज्जती होगी, तेरी बेइज्जती होगी, जो तू अपने बाप के साथ पीछे 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 ना, एक बात बता ना, एक मिनट एक मिनट, शादी शादी किसने करवाई तेरी, दहेज का एक रुपया लिया तेरे से, तू अभी इसी को घर से निकाल रही है, अरे तो वो है अच्छा रहे, हाँ तू उसके उसके बेटे को उसके खिलाफ कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू भी रहने लायक नहीं है, जब भी तेरे पास कुछ एक रुपया नहीं था, जब भी तेरे को घर पे लेके आई है, दहेज में क्या लिया आपने, हम कुछ नहीं लेकर, इसने तुमसे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, तुम ऐसे ही आ गई घर में, इसने दहेज मांगा, कुछ नहीं मांगा, ये तो मैं अपनी बेटी समझ के घर पे रख रहा, उसके बाद भी तुम इसकी इसी को घर से निकाल रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें, अभी नहीं दो दिन पीछे मर जाएगा, जब भी तो इसके राम नाम सत्य करूंगी, तो तेरे बाप के लिए ऐसे बोलूं सही लगेगा, किसी और तेरा तेरे बाप के लिए ऐसे बोल रही है, तेरे को शर्म आ रही है सुनते हुए, तेरे बाप के लिए बोल रही है शर्म आ रही है, एक काम कर, एक काम कर, ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है कि तेरा बाप एक दो दिन के बाद मर जाएगा, तो इसको बोल तेरा बाप मर जाएगा, देखिए सुनेगी, बोल बोल इसका भी बाप मर जाएगा, बोल बोलना, ये नहीं चाहता, नहीं बोल, क्या हुआ, क्या है, इधर आ, ये बुड्ढा ना चाहता, इधर आ, इधर आ, बोल बोल, तेरा बाप भी मर जाएगा एक दो दिन में, क्यों बोलेगा, उसके लिए नहीं बोल पाएगा, अपने बाप के लिए सुन रहा, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, है इतने बच्चे बड़े हो गए, अपने माँ बाप की इज्जत भूल चुके हो गए पूरी की पूरी, बाप भी तो देखे, बाप कितना अच्छा है, क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने तेरे लिए, क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया उसने, क्या करा, हम इसे नहीं रखेंगे अपने साथ, वो तेरे को नहीं रखेगा, तेरा घर है, घर उसका, प्रॉपर्टी उसके, उसको क्यों निकाल दिए, तेरे पति ने कमा, तेरे पति ने कमा, पूछो तेरे पति ने कमा, साढ़ पूरी जिंदगी काम करते रहोगे ना दिल्ली शहर में ना, घर नहीं ले पाओगे अपना, ये बाप माँ बाप का दे रखा है ना, उसकी इज्जत कर लो, समझ आ रही है, नहीं कर रहे तो अपना घर, अपना कपड़ा वपड़ा उठा के निकल जाओ ना, ओ मैडम कपड़े वपड़े उठा के निकल जाओ ना, इसको क्यों इसे परेशान कर रहे हो, सारा करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी इधर उधर के गाड़ियां साफ करके अपने पैसे कमा रहा, इधर रुके पहुंच कर, इसलिए बात कर, बकवास कर, वहाँ पे तेरा क्या शादी हो रही है तेरी, वहाँ पे कर दिया इसने तेरे को, क्यों कर दिया, बकवास पे बकवास, बकवास तेरा बाप भी रखेगा इसको, तेरी माँ भी आके रखेगी इसको, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, बकवास कर रही है, सॉरी बकवास करेगी ना, मैं पार दूंगा तेरे को, दूसरे लड़कों को घर पे लेके आते नहीं, वो है मसला, पूछ पूछ से, पूछ दूसरे लड़कों को घर पे लेके आती, पूछ से तू, दूसरे लड़कों को घर पे लेके, पूछ से पूछ से लेके आती है, नहीं लेके आती, नहीं लेके आती, खड़ा कर इसको, खड़ा कर इसको, ये खड़ा कह रहे, अभी वीडियो लाइव करवा दूं फेसबुक और यूट्यूब पे, अभी इसके यार निकल गए, अभी लाइव करवा दी ना, तेरे यार खुद आए, कराना जब तूने, ओए जब करती नहीं ना तो इतनी हाफती नहीं, देख इसकी हालत देख,
मेरे पीछे कर क्या रही थी तू जो बता रहे मेरे को ये? और तू मेरे को कह रही है कि तेरा बाप ऐसे करता है? तेरे दो आशिक कहाँ है? तू ढूंढेगी और मैं यहाँ पे तेरे को जाने नहीं दूंगा, ये पिटती रहेगी तू। बता ना आशिक कहाँ है? वो दोनों आशिक जो बता रही है पूछ इससे, चुपचाप बता। तू तो कहते मेरा मुर्गा भर गया, बता तू कहाँ है? इसने मुझे कहा है वो नहीं माना, इसने मुझे नहीं माना, इसने बिल्कुल मेरी बात को नहीं माना। मैं इसको देख रही थी, दो मिनट दे रहा हूँ, दो मिनट के। ओए सुन ले, अभी भी तेरा फायदा है, मानेगी ना ये वीडियो हमारे पास रहेगी, नहीं मानेगी ना अभी ये वीडियो लाइव होगी, जल्दी लाइव होते हैं ना लाखों लोग देखेंगे। सॉरी तेरे बाल बनाओ, मत गंजा कर दूंगा तेरे को मैं। बाल बनाती जा रही स्टाइलिश की औलाद, पान के बालों में क्या लगवा रखा है? पान की थूक लगवा रखी है क्या? अभी यहाँ पे ना थूक थूक के तेरे बाल वाइट कर दूंगा। घर से कौन आ रहा था ये बता, करवा देते। दो लड़के आए थे वो, कौन थे वो दो लड़के? यार थे इसके, शादी के बाद भी दो दो यार रख रखे हैं, शादी के बाद भी यार बना रखे हैं इसने, और तू अपने बाप को मार रहा। वृद्धाश्रम छोड़ आओ, क्योंकि इसको तेरे बाप को चुप है, इसके आने के बाद इसने करा, तेरी कबाब में से हड्डी निकाल दूंगा। जीना नहीं आता, अकेला नहीं छोड़ता मुझे, सारा दिन मेरे पीछे लगा रहता है। शादी को मेरे को ऐसे कह, मैं बता रहा हूँ शादी के बाद भी ना इससे तेरी भूख मिटती नहीं है, इसको दो आशिक और चाहिए, तभी तेरे बाप को घर से बाहर निकाल दिए। जैसे तू जाए तो अपने आशिकों को बुलाओगे, अपनी हवस पूरी कर ले, और कोई बात नहीं है, और कोई बात है ही नहीं, यही बात है। शादी के बाद भी ना इसको दो दो यार चाहिए, तभी तेरे बाप को ना वृद्धाश्रम में निकाल रही है ये। सुन ले, और तू इसके बाद में आ रहा है, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मैं तेरी बात मैंने कितना समझा, मैं तो इन्होंने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब, क्या मैं तेरी बातों में आ सकता मैं? अबे शर्म नहीं आई तुझे मेरे जाने के बाद? मैं इसके साथ रह रहा, शादी के बाद भी दो दो यारों को पाल रही है, अपने दो दो यारों को पालने के बाद तेरे बाप को वृद्धाश्रम में निकाल रही है, क्योंकि भूख पूरी नहीं कर पा रहा होगा ना। पूछ कितने टाइम से आ रहे हैं, कितने टाइम से आ रहे हैं वो लोग? छह महीने हो गए, चार पांच दफे आ चुके। मेरे पीठ पीछे ये बात, तुम्हारा बाप फिर चिल्लाओ, दिखा साड़ी के बॉल पकड़ के ना यहाँ पे, पूरे बॉल निकाल दूंगा, जड़े बाहर आ जाएंगी तेरी, कभी दो आते हैं साली, जड़े बॉल हो जाएंगी तेरी, जड़े जो है ना ये जो व्हाइट व्हाइट जड़े इधर उधर हो जाएंगी। ये लिपस्टिक लगा के ना किसी और के सामने हीरोइन बनी हो, सारी हीरो पति दो बनते में ना दो मिनट में बाहर निकाल दूंगा। ये कहीं तेरा तेरा पति तेरे वहम में हो के तेरे को बचाएगा, इसको भी बचाने कोई नहीं आएगा यहाँ पे। इधर आइयो, बाप का मतलब क्या होता है? इधर आओ अंकल, आपने अपने बाप के साथ क्या क्या करा था बचपन में? इधर खड़ा हो, सीधा थप्पड़ खाना है या हाथ पे थप्पड़ खाना है? आपने क्या करा था बचपन में अपने बाप के साथ? मैंने इज्जत करी थी? हाँ, क्या करा था? करी क्या, क्या करा? गिनवाओ यहाँ पे, गिनवाओ अपने बाप को, उनको रोजाना मेहनत, खाना देना, उनकी मेहनत। तूने कभी खाना दिया उनको? सिर दबाना, तूने कभी खाना दिया? हाँ, खाना दिया उनके, पैर दबाने, सीधा सीधा उनको यहाँ घुमाने के लिए पार्क में खड़ा रहे। इधर तूने खाना दिया आज तक के? इसने उसके बाद बाप के लिए आपने क्या किया? दूसरी चीज क्या है? पार्क में घुमाने ले जाता था कभी? पार्क में तू तो मार रहा है ना ऊपर। तीसरी चीज क्या है? उनको कितने साल का तू? सिर दबाता था उनका, उनके तो गला दब, तू मार रहा था ना इसके, इसकी बातों में आके इसकी, ए साला बकरी की तरह, ए बकरी है तू, सारे जानवर भी तेरे से अच्छे होते हैं। ए और अब तो अपने चेकअप करा के लाता था उनको मैं, और ये आपका चेकअप कराने के लिए आता है? ये कह रहे कि तुम्हें जहर देके मारेंगे, दवाई तक नहीं लाके देता मेरे को, दवाई जा करके कुछ वही चीज मेरी, क्या करूं? गाड़ी साफ करनी फिर दवाई लानी। गाड़ी साफ करने क्यों कर रहे हैं गाड़ी साफ, जब इनकी प्रॉपर्टी इनके पास है तो? सब चुप 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 चाप बताओ, नहीं तो मैं से पिटता आ जाएगा, बहुत गंदा पिटेगा। मेरी घरवाली ने बोला इन्हें भगा दो। तेरी घरवाली ने तेरे को क्या बोला? इसने मेरे को बोला कि इसे घर से, तेरे माँ बाप को तेरे घर से बाहर निकाल दे क्या? ओए तेरे माँ बाप को तेरे घर से बाहर निकाल दे क्या? साड़ी चुड़ैल, जब से इनके घर पे आई हूँ घर का मुँह काला कर दिया। ऐसी बोला था सच में? थोड़ी एक काम कर, ओए सुन, ओए तेरी मर्जी बाहर निकल जाएगी, खाना पीना कपड़े, तेरा खाना वो खुद कर लेगा अपना, ज्यादा सिखा मत। एक काम कर, इसको पकड़ के ना अपने यारों के साथ रहे, और एक कोई बड़ा सा कमरा देख उसमें चार बेड वाला, वो डबल बेड होता है ना घर पे, तू एक भी दो
डबल बेडों को ना दो को मिला दियो, तीन यार एक तू सोने वहाँ पे जो भी तुम्हारा अपना मुकाला करना है वहाँ कर लेना, ये नहीं आएगा कहीं तुम्हारे साथ। रे अपनी उसके साथ रे चोरू का गुलाम हूँ कुत्ते, उठा 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 अपने उठा उठा बन जोरू का गुलाम, पैर दबा उसके। नालायक औलाद, आज देख ली मैंने नालायक औलाद कितनी हरामी होती है। गलती हो गई तेरी, गलती साड़ी जूता उठा के ना तेरे सर पे मार दूंगा। हेडशॉट देखा कभी? हेडशॉट दिखाऊं? दिखाऊं थूकू तेरे मुंह पे? चलो चलो गलती हो गई, हम अब नहीं करेंगे ऐसा। क्या हो तुम, कुत्ते से भी बढ़ के हो, जानवर भी ना अपने मालिक की वो करता है, तुम अपने माँ बाप की ऐसे सेवा नहीं कर पाते। अपने माँ बाप को यूँ बोल रहे हो कि आज नहीं तो कल मर जाएगा, ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज से पहले कर लेता, ये दिन नहीं देखना पड़ता जो अब देख रहे हो तुम। बाप बोल रहे हैं ना अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दो इस बार, माफ ये पहले करते तेरे माँ बाप। ओए ओ चुड़ैल की बच्ची, तेरे माँ बाप को बुलाऊं क्या? तेरी माँ ने सिखा रखा है क्या तेरे को ये सब? अब नहीं होगा। ओ चुड़ैल की बच्ची, ये नाटक किस लिए? साड़ी टीका लगा के आई है जैसे वो नहीं होते संस्कारी बच्चे लगाते नहीं टीका जिनको कुछ नहीं आता भाई, अंदर चुपारुस्तम होते हैं, सारा दुनिया अंदर पूरी खत्म कर चुके होते हैं, बार बोलते हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अब रो रो ना साले, रो अबे। अब क्या करोगे? चले गए ना छोड़ के, जब तेरे को समझा रहा था नहीं तुमने यकीन किया? वाली क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई ना? और रो, तेरे सामने क्या बोल के गई कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मेरे को सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था, इसके बुड्ढे के तेरे साथ रह ही नहीं रही थी वो यार उसके उनके चले पास चली गई, उन्हीं के पास चली गई। मैं आपकी सेवा करूंगा पापा, क्या सेवा करेगा मेरे भाई? लड़कियां से बकती हुई गई है, कैमरा गिर गया हमारा, वो वाली क्लिप हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं हुई है। और इसको पता है क्या बोल के गई कि मेरे को तो तेरे साथ कभी रहना ही नहीं था, मेरे को तो रहना ही उनके साथ था, मेरे को तो सिर्फ बुड्ढे की प्रॉपर्टी लेनी थी। और आज असलियत सामने आ गई तो सब यहाँ पे रद्दी पानी हो गया। अजी वो तो यूँ कह करके गई है, पहले भी कहती थी ये मेरे काबिल नहीं है, मैं तो बड़े ऊंचे ख्वाब है मेरे। डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, इशारे में नाच रहे थे, तो मुर्गा बन रहे थे, कुत्ता बनने के लिए तैयार थे, मुझे चढ़ा रहे, मुझे दिखा रहे थे, देखो गलती हो गई। आप कह रहा पापा जब तक आप हो इस दुनिया में तो मैं शादी नहीं करूंगा, साड़ा कुत्ता। क्या माफ करूँ मैं, क्या माफ करूँ, एक मौका, क्या माफ करूँ बता? क्या गई तेरे को छोड़ गई कि तू मेरे काबिल नहीं है? वो तो सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी थी ना मकान, इसके लिए आई थी, इसका बाप तो इतना अच्छा था, पता नहीं ये कैसे बिना दहेज के यहाँ पे लेके आए बेटी को, बिना दहेज के, उसके बाद भी ये हालत। हम सोचते हैं ना गरीब घर की बेटी को लेके आएंगे, उसको वो आके घर संभालेगी, ये करेगी, नहीं भाई, जिसको नहीं मिला उसके बाद जब मिल जाता है ना तो वो बंदा ही बावला हो जाता। इस बावले के साथ ना आप मुझे भी बावला कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दहेज का बटन उठा के, दहेज का कुछ भी सामान उठा के सब्सक्राइब का बटन फेंक के सब्सक्राइब कर दो चैनल। अंकल लेके जाओ अपनी, जैसे आपने गाड़ियां साफ करी है ना, इससे बेंचों से पूरा घर का ना झाड़ू पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, खड़ा उठा सामान, उठा पापा का सामान अपने, पापा सॉरी, उठा ये कपड़ा, इससे गाड़ियां साफ करेगा इसके बाद। चल यहाँ से चल चल, इधर इधर चले, लेके जाओ इसको, चल निकाला, मारो साढ़े के दो तक कान पट्टी में मारो इसके। भाई जब तक वो उनको मार रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन मार दो, ठीक है कर दो भाई सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सरखपाई होती है, बहुत बारी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता, आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता होते, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कर दो। आज तो मैंने एक नई चीज़ करी थी, अगली वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।